हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, भारतीय कृषि, जिसके अंतर्गत हमने भारतीय कृषि के बहुत सारे जो टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए थे। बहुत सारी कृषियाँ देखी, बहुत सारी कृषियों के नाम देखे, प्रकार देखे, ठीक है। उसके अलावा हमने कुछ प्रमुख फसलें भी कल की वीडियो में देखी थी, जिसके अंदर मैंने आपको 6 प्रमुख फसलें करवाई थी। तो वो आपके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी फसलें आपके हैं, अगर सिर्फ फसलें लिखा हुआ है तो सारी फसलें जो मैं करवा रही हूँ सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, ठीक है। तो ये इन फसलों के अंतर्गत 6 फसलें हमने कल कर ली थी और कुछ प्रमुख फसलें हैं वो हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं प्रमुख फसलों में। आज ही लास्ट इस टॉपिक का, मतलब भारतीय कृषि का लास्ट वीडियो रहने वाला है, फिर कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। प्रमुख फसलों के अंदर हमने आज जो देखने वाले हैं वो है गेहूँ। सबसे पहले हम गेहूँ का देख लेते हैं। गेहूँ और चावल, इन दोनों को ना बिल्कुल तुलनात्मक देखते हुए चलेंगे, ठीक है। दोनों ही जो है, गेहूँ और चावल दोनों ही, आपको पता है प्रथम जो हरित क्रांति थी उसकी प्रमुख फसलें थी, जिसमें नंबर एक पर गेहूँ था, नंबर दो पर चावल था, ठीक है। इसमें आप याद रखेंगे चावल और गेहूँ, इन दोनों को बांटने वाली एक प्रमुख वर्षा रेखा है, ठीक है। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, अभी तक हायर एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन हो सकता है अब किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो किन किन दो फसलों के बीच में विभाजक रेखा का काम करती है। तो 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गेहूँ और चावल जो फसल है उनके बीच में विभाजक रेखा का काम करता है। जैसे कि आपने राजस्थान के संदर्भ में देखा होगा कि अरावली जो है किस के बीच में वर्षा रेखा काम करती है, ठीक है। तो वैसे ही इसके लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गेहूँ जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, क्योंकि आपको पता है भारत जो है, भारत को अगर बीच में से हम काटेंगे, जो दक्कन का पठार है ना वहाँ से अगर हम काटेंगे, तो आपको पता है ऊपर का जो क्षेत्र है वो ठंडा प्रदेश है, ठीक है, उसको हम शीतोष्ण कहते हैं। जबकि नीचे का जो दक्षिण का क्षेत्र है, दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, जो प्रमुख समुद्र तटीय क्षेत्र है, वो सब किस में आते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जो नीचे का क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय, ऊपर का क्षेत्र क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय। जैसे ये भारत का नमेप है, ठीक है, ये यहाँ से आप काट देंगे तो ये पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और इसके ऊपर का सारा हिस्सा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आएगा। तो गेहूँ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है, जबकि चावल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है, ठीक है। ये दोनों आप तुलनात्मक रूप से याद रखेंगे। जो चावल है ना, ये प्रमुख भारत के अंदर प्रमुख खाद्यान्न फसल आपसे पूछा जाए तो नंबर एक पर आएगी चावल, ठीक है। सर्वाधिक प्रथम हरित क्रांति में सर्वाधिक बोई गई फसल गेहूँ, भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल चाहे उत्तरी भारत हो चाहे दक्षिण भारत में, उसमें आएगा चावल, ठीक है। भारत के लगभग 1/4 भाग यानी कि लगभग 25% भाग पर बोई जाती है चावल फसल, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे गेहूँ के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, चीन प्रथम नंबर पर है, ठीक है। तो चीन और भारत, इसके अलावा कल भी हमने बहुत सारी फसलें देखी थी जिसमें हमने चाय देखी थी, जिसमें भी चीन नंबर एक पर और भारत नंबर दो पर था। इसके अलावा तंबाकू में भी चीन प्रथम और भारत दो नंबर पर था। इसके अलावा कपास भी हमने देखा था, उसमें चीन प्रथम और भारत दूसरे नंबर पर, सॉरी भारत प्रथम और चीन दूसरे नंबर पर था, ठीक है। तो जहाँ पर प्रथम या दूसरे नंबर पर भारत है वो चीज़ें आपको, वो फसलें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। वर्षा रेखा देखेंगे तो इसमें वर्षा रेखा 76 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए, किसके लिए, गेहूँ के लिए, ठीक है। क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसलें तो वर्षा की ज़्यादा नहीं, 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा काफ़ी है, ठीक है। और चावल के क्षेत्र में देखेंगे तो चावल में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ज़्यादा भी वर्षा भी ज़्यादा होगी और जो गर्मी है यानी कि जो तापमान है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वर्षा यहाँ पर चाहिए होगी 125 से 200 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। तापमान का जरूर आपको याद रखना है, इनमें वर्षा याद रखे ना रखे तापमान आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि गेहूँ जो है इसको बोते समय कितना तापमान चाहिए, काटते समय या जो इसके मतलब ये जो फसल पकती है तब कितना तापमान चाहिए, तो 10 से 15 सेंटीमीटर बोते समय और 20 सेंटीमीटर पकते समय या जब इसको काटने का समय होता है तब 20 सेंटीमीटर तक की इसको क्या चाहिए, तापमान चाहिए। जबकि चावल के अंदर आप याद रखेंगे, देखिए इसमें क्या है, 10, 15 और 20, ठीक है, 10, 15, 20, 20 के बाद में नेक्स्ट आ जाइए 21, 21 से लेकर 24 तक, तो बोते समय तापमान चाहिए यानी कि चावल की फसल में तापमान ज़्यादा चाहिए, और जब इसके ये पकता है, जब इसको काटते हैं उस समय कितना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए, ठीक है। तो 10, 15, 20 और फिर इसकी 21, 24, 27, ठीक है, ये इसकी तापमान प्रमुख आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन सी मिट्टी चाहिए। तो जो गेहूँ है, आपको बताए जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नदी जो क्षेत्र होता है उसके अंदर सर्वाधिक होती है, नदी की जो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, उसमें सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। तो कछारी मिट्टी कह लीजिए, दोमट मिट्टी कह लीजिए, जलोढ़ मिट्टी कह लीजिए, ये गेहूं के लिए प्रमुख मिट्टी होती है। इसको अगर आप इंग्लिश का वर्ड याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा, हो सकता है ये नाम कोई भी चेंज करके देते, इंग्लिश का नाम भी आप याद रखिए, एल्यूवियल सोइल इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एल्यूवियल सोइल, ठीक है।
देश के अंदर, इसमें चावल के अंदर, उसमें भी चीन और भारत थे और इसमें भी चीन और भारत जो है इनका क्रमशः उत्पादक रहेगा। ठीक है, भारत के अंदर जो है कौन कौन से क्षेत्र चावल और कौन कौन से गेहूँ के उत्पादक राज्य है, तो पहले हम गेहूँ के देखेंगे। गेहूँ के अंदर आपको पता है जो हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ मिला था उसमें पंजाब और हरियाणा आए थे, लेकिन प्रथम नंबर पर याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। गेहूँ के उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर उसके बाद में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान इसके अंदर आएगा। जबकि चावल में सर्वाधिक चावल आपको पता है नंबर एक पर कौन आता है, वेस्ट बंगाल आता है, उसके बाद में नंबर दो पर यूपी आ जाएगा, जबकि गेहूं में प्रथम नंबर पर यूपी रहेगा। ठीक है, उसके बाद में वही पंजाब और हरियाणा। तो यूपी, पंजाब और हरियाणा ये तीनों गेहूं के अंदर, और इसमें आप बस आगे पश्चिम बंगाल को आगे लेकर आ जाइएगा तो चावल में नंबर एक पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे गेहूँ से संबंधित प्रमुख रोग। ठीक है, मैंने बहुत कम फसलों में रोग लिखवाए, लेकिन जहाँ जहाँ लिखवाए वो आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो रोग के अंदर आप याद रखेंगे, एक तो ब्लैक रस्ट है गेहूँ के अंदर, स्मट है, रतवा है, टुंडू है और कंटुआ है। ठीक है, ये प्रमुख गेहूँ के अंदर पाए जाने वाले रोग है। और चावल के अंदर दो प्रमुख रोग है, पत्ती चकता और स्मट। ठीक है, स्मट इसमें भी है और इसमें भी, इसमें एक और है पत्ती चकता और इसमें कुछ अन्य रोग भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें हम देखेंगे, किसमें इसमें आ जाएगी, कल्याणी, सोनालिका, क्योंकि किसमें आपको या तो गेहूं की पूछी जाएगी, चावल की पूछी जाएगी, या ज्वार, मक्का, बाजरा की पूछी जाएगी। ठीक है, तो इनकी किस्में आपको अच्छे से याद रखनी है। तो कल्याणी है, सोनालिका है, कोहिनूर है, सोनेरा 64 है, ट्रिटिकम है, पूसा है, सिंधु है, गंगा है, ये सब किसकी है, गेहूँ की फसलें हैं। ठीक है, सिंधु गंगा से याद रख सकते हैं, ये प्रमुख आपको पता नदी वाले क्षेत्र है, उत्तरी भारत के अंदर उत्तरी मैदान की प्रमुख नदी है, तो वहाँ सर्वाधिक वहाँ पर गेहूँ का उत्पादन होता है, तो सिंधु और गंगा आप भी वैसे भी याद रख सकते हैं। बाकी प्रसिद्ध है कल्याणी, सोनालिका, कोहिनूर, ये प्रमुख, ये प्रसिद्ध किस्में हैं। ठीक है, इसके अलावा ये ट्रिटिकम है, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें देखेंगे हम चावल की प्रमुख किस्में, तो इसमें देखिए कावेरी है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चावल जो है प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत का चावल सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो कावेरी है। इसके अलावा चंबल है, परमल है, बासमती है, कोटा के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर कोटा जो है, या कोटा बूंदी जो है, ये चावल के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, चंबल, वहाँ से चंबल नदी होकर निकलती है, तो चंबल किस्में भी है, कावेरी है, चंबल है, परमल है, बासमती, रासमती, ये आपने सुने होंगे किस्मों के नाम। माही सुगंधा, एक आती है माही कंचन और एक माही धवल, वो तो किसकी, मक्खी की है। माही सुगंधा चावल से क्या आती है, खुशबू आती है, सुगंध आती है। ठीक है, तो माही सुगंधा क्या हो जाएगी, चावल की किस्म है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर तीन किस्में बोई जाती है चावल की, ओस, अमन और बोरो, ये तीनों किस्में मुख्यतः कहाँ बोई जाती है, वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, जैसे ये ओस है ना, ये मानसून से पहले बोई जाती है, अमन जो है वो मानसून से लेकर सर्दियों तक बोई जाती है, और सर्दियों में जो बोई जाती है वो बोरो है। ठीक है, तो ये इनका मानसून के अनुसार भी क्रम होता है। ठीक है, और ये बाकी सारी जो फसलों की जो किस्में हैं वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम देख लेते हैं ज्वार, बाजरा और मक्का, इन तीनों का मैंने तुलनात्मक रूप से यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे राज्य कि कौन कौन से राज्यों में ये चीज़ें, इनमें आपको फर्स्ट याद रखना है। ठीक है, मुख्यतः आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो बाजरे की याद रखनी है, क्योंकि राजस्थान वाले हैं, तो राजस्थान में मुख्यतः आपको बाजरे से संबंधित पूछा जा सकता है। ठीक है, ज्वार के अंदर नंबर एक पर महाराष्ट्र आ जाएगा, बाजरे में राजस्थान और मध्य प्रदेश में मक्का है, मैसे मध्य प्रदेश और मैसे मक्का। ठीक है, इसके अलावा तापमान देखेंगे हम, तापमान में इन तीनों में सेम तापमान याद रखेंगे, यानी कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इन तीनों के अंदर तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं आपको तुलनात्मक करवा रही हूँ, क्योंकि लगभग इसमें चीज़ें सेम है, जैसे इनके जो राज्य है वो अलग अलग है, बाकी तापमान इनका सेम है, वर्षा भी इनकी तीनों के सेम है, लगभग 50 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। मक्के में थोड़ी सी ज़्यादा याद रखेंगे कि मक्के को थोड़ी सी पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो 50 सेंटीमीटर सामान्यतः 50 सेंटीमीटर तीनों के अंदर चाहिए होती है। ठीक है, किस्में आप याद रखेंगे, ज्वार की किस्में होती है CSV 10 और SP 96, ये प्रमुख है जो एग्जाम में पूछी गई है, बाकी अन्य भी होती है, ये प्रमुख आप याद रख सकते हैं। बाजरे के आप अच्छे से याद रखेंगे, जहाँ पर RAJ आगे नंबरिंग कुछ भी लिखा हुआ RAJ लिखा हुआ जाए तो आप देख लीजिएगा कि बाजरा की किस्म है। ठीक है, RAJ 911, RAJ 171 और एक RCB 2 या RCB करके और भी कोई किस्म आ जाए तो किसकी है, बाजरे की किस्म है। मक्के की किस्म सर्वाधिक पूछी जाती है, माही कंचन, माही धवल और सविता, मुख्यतः ये दो ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि ये माही सुगंधा के जैसे मिलती जुलती है, तो कन्फ्यूज़ करने के हिसाब से देते हैं कि माही सुगंधा किसकी है और माही कंचन और माही धवल किसकी है। ठीक है, सविता आपको याद रखेंगे। मिट्टी के अंदर ज्वार और बाजरा दोनों एक जैसे फसलें हैं, तो मिट्टी के अंदर, इन दोनों के अंदर रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। मक्का जो है लाल कलर का होता है, तो याद रखेंगे लाल मृदा इसके अंदर मुख्यतः होती है, यानी कि लाल मृदा में ये अधिक उत्पादित होता है। मूंगफली एक और प्रमुख फसल है, उसको भी देख लेते हैं। मूंगफली जो है ये सस्यार वर्तन की फसल है, यानी कि होता है ना खेती में जो फसलें हैं उनको बार बार परिवर्तित करके बोई जाती है, ताकि उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो बनी रहे, तो मूंगफली को क्या कहा जाता है, सस्यार वर्तन की फसल कहा जाता है।
इसके अलावा मूंगफली जो है इसमें चीन नंबर एक पर है, भारत नंबर दो के अंतर्गत आता है। मूंगफली में भारत में जो सबसे प्रसिद्ध है वो है राजस्थान, और राजस्थान का भी सबसे जो प्रमुख जिला है वो है राजकोट, ठीक है। इसलिए बीकानेर राजस्थान में कौन से प्रसिद्ध है, बीकानेर के जो आपको पता है लूणकरण सर है उसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, ठीक है। तो राजकोट जगह कहाँ है, गुजरात के अंदर मूंगफली के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और राजस्थान नंबर दो पर इसके लिए सर्वाधिक फसल है। राजस्थान में आप याद रखेंगे बीकानेर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और बीकानेर के अंदर भी लूणकरण सर जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। और राजकोट गुजरात का मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी पूछी जाए तो रेतली बलुई मिट्टी, क्योंकि आपको पता है मिट्टी के अंदर ये मिट्टी के अंदर होती है मूंगफलियाँ, तो जितनी मिट्टी खोखली होगी, मतलब कि जितनी इसको फैलने के लिए जगह मिलेगी उतनी ही अच्छे से होगी, ठीक है, फूलने के लिए। तो रेतली बलुई मिट्टी जो होती है उसमें अच्छे से फूल पाती है, अच्छे से मोटी हो पाती है, तो मूंगफलियों के लिए रेतली बलुई मिट्टी अच्छी होती है। वर्षा की मात्रा देखेंगे 50 सेंटीमीटर और तापमान देखेंगे 25 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए होता है। सामान्य चीज़ें हैं आप याद रखें तो भी ठीक है, नहीं ठीक है। लेकिन एक जो चीज़ याद रखने की है कि ना तो जो मूंगफली फसल है उसमें ना तो लंबा सूखा होना चाहिए, यानी कि थोड़ा पानी इसको मिलता रहना चाहिए, और ना ही लंबे समय तक इसमें आर्द्रता रहनी चाहिए, वरना जो मूंगफली वो गल जाती है। ना तो लंबा सूखा होना चाहिए और ना ही लंबी आर्द्रता इसके लिए सही है, ठीक है। रोग याद रख सकते हैं टिक्का और कालरा इसके मूंगफली के प्रमुख रोग है, ठीक है। तो ये प्रमुख 6 फसलें आज मैंने करवा दी, 6 फसलें कल करवा दी थी, ये प्रमुख फसलें और इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इनसे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।